ही दंगा फसाद शुरू हो गया। हाँ पढ़ा मैंने, और अखबार पढ़ते हुए तुम्हारे दिल में जो सवाल उभरा है ये हर हसास और बाशऊर अखबार पढ़ने वाले के दिल में उठता है। लखनऊ का एक नौजवान शायर है नैयर मजीदी, उसका एक शेर शायद इस वक्त तुम्हारे जज्बात की और मेरे सबके तर्जमानी कर सकेगा सही मानों में। अखबार हम पढ़ते हैं, आदत है हमारी पढ़ने के लिए, और जाहिर है सुबह सुबह पढ़ते हैं जहाँ से हमारी दिन शुरू होता है जिंदगी, तो सब इस उम्मीद तो पढ़ते हैं कि अच्छी अच्छी खबरें होंगी जिनको लेके हम निकलेंगे जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए। मगर वो कहता है कि किस कदर खुश नजर आते हैं मेरे शहर के लोग, किस कदर खुश नजर आते हैं मेरे शहर के लोग, आज अखबार किसी ने न पढ़ा हो जैसे। तो वाकया यह है कि आज अखबार पढ़ने के बाद किसी का खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हर सफ़े पर आपको कहीं फसाद होता दिखाई देगा, कहीं और तशद्दुद भरा पड़ा है, वो पंजाब हो, आसाम हो, या कोई दूसरा भी हमारे मुल्क का कोई हिस्सा हो, वहाँ से ऐसी भयानक खबरें अखबार में आज रोज आती हैं कि हमको बहुत से सवाल घेर लेते हैं। मसलन ये सवाल कि जब हम आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, एक बैरूनी ताकत हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी, उस वक्त हमारे यहाँ जो दंगे फसाद होते थे हम उसको ये कहते थे कि ये अंग्रेजों की पॉलिसी का हिस्सा है कि वो फूट डालो हुकूमत करो, उनकी पॉलिसी है, वो लड़ा रहे हैं हमको। जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो जाहिर है ये लानत भी हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमको आज़ाद हुए 37 बरस हो चुके, अब अंग्रेज नहीं, वो लड़ाने वाली ताकत चली गई है, उसको हमने निकाल दिया है अपने मुल्क से, लेकिन वो दंगे फसाद सब उसी तरह बाकी हैं, बल्कि उनमें और इजाफा हो गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है आज आज़ादी के 37 साल बाद, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हम अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, महजब कहते हैं, फिर ये वैश्यपन क्यों? ये क्यों हो जाता है कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, एंड वाई, ऐसा क्यों होता है? शबाना, ये जो सवाल आपने मुझसे किया है, यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज से मैं हमेशा अपने आप से करता रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि आज भी इस हिंदुस्तान में इतने फसाद, इतने दंगों के बावजूद एक हिंदू ऐसा नहीं मिल सकता जिसके 10 मुसलमान दोस्त न हों, एक मुसलमान भी ऐसा नहीं मिल सकता जिसके 10-20 हिंदू दोस्त न हों। लेकिन जब चार हिंदू एक जगह बैठते हैं तो वो हिंदू हो जाते हैं, चार मुसलमान एक जगह बैठते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये कुरेद मुझे बहुत सताती रही है। मैं तुम्हें एक नज्म अपनी सुनाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद इसमें तुमको कुछ जवाब इसका मिल जाए, जिस तरह से मैंने इसको समझने की कोशिश की है। नज्म है, अब तमद्दुन की हो ये जीत के हार, मेरा माजी है अभी तक मेरे कांधे पर सवार, आज भी दौड़ के गले में जो मिल जाता हूँ, जाग उठता है मेरे सीने में जंगल कोई, सींग माथे पर उभर आते हैं, पड़ता रहता है मेरे माजी का साया मुझ पर, दौरे खूखारी से गुजरा हूँ छुपाऊं क्यों कर, दांत सब खून में डूबे नजर आते हैं, जिनसे मेरा न कोई बैर न प्यार, उन पर करता हूँ मैं वार, उनका करता हूँ शिकार, और भरता हूँ जहन्नुम अपना, पेट ही पेट मेरा जिस्म है दिल है न दिमाग, पेट ही पेट मेरा जिस्म है दिल है न दिमाग, कितने अवतार बढ़े लेके हथेली पर चिराग, देखते रह गए धो पाए न माजी का ये दाग, मल लिया माथे पर तहजीब का गाजा, लेकिन बर्बरियत का जो था दाग वो छूटा ही नहीं, बर्बरियत का जो था दाग वो छूटा ही नहीं, गांव आबाद किए शहर बसाए हमने, रिश्ता जंगल से जो अपना था वो टूटा ही नहीं, इसको मजहब का जुनू कहिए कि मेरी वहशत, कत्ल भी कर दिया हमसाए को लूटा ही नहीं, जब किसी मोड़ पर खोल के उड़ता है गुबार, और नजर आता है उसमें कोई मासूम शिकार, जाने हो जाता है क्यों सर पर जुनू एक सवार, किसी झाड़ी से उलझ के जो कभी टूटी थी, वही दुम फिर से निकल आती है, वही लहराती है, अपनी टांगों में दबा के जिसे भरता हूँ जकन, उतना गिर जाता हूँ सदियों में हुआ जितना बलंद।
اب تمدن کی ہو یہ جیت کے ہار، میرا ماضی ہے ابھی تک میرے کاندھے پر سوار۔ کاش کہ ہمارے ملک کے سب لوگ اس نظم کو سمجھ سکتے، اور اس نظم نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب اپنے آپ میں ڈھونڈ سکتے، اور کاش کہ ہم سب کے سب یہ ثابت کر سکیں کہ کوئی ہندو یا مسلمان یا سکھ یا عیسائی نہیں ہوتا، صرف انسان ہوتا ہے۔